भाई सारे भाइया राम राम। मैं हूँ थारा दोस्त, थारा होस्ट ट्रेवलर धीरेन। और भाई पिछला वीडियो तो मैंने देखा होगा, उम्मीद है वो पसंद आया हो। तो भाई ईव जो है आज तड़के तड़क मैं चाल पड़ा हूँ भाई नदी की सैर कर। तो ऐसा है थोड़ा हाँ अड़े स्कैमा तो बचियो भाई। जैसे ही मैं बाहर निकला था तो मेरे तो बोला जो है 2000 पर बाठ में तने जो है नदी में कह और जो है ओल्ड बैंकों कर न्यू बैंकों कर ये और वो बेहतर के दिखाओगे। भाई हम चले गए अड़े, ये जो है तो अड़े जो हमने लग गया कि भाई ये जो है गलत काम है। तो हमने उन तनाट के हम आ गए अड़े। यो है भाई बैंकॉक मतलब जो है थाईलैंड गवर्नमेंट की फेरी का काउंटर। और अड़े तो जो है 10 बात में या 20 बात में तुम इस नदी की जो है सैर कर सको हो फेरी तय। तो ये सैर देखना है तो तुम जो है अड़े देख सको। तो भाई मैं जो है था तो यह बताना था कि भाई इन स्कैमा मत बढ़ियो। अगर तुमने जाना है नदी में तो सांझ ने जो है इस नदी में क्रूज चल रहा है वो जो है डिनर के साथ है तो वो बढ़िया है, उसमें चले जाओ। ना कि इन जिसे ठगा के चक्रा में बढ़ो, ठग तुमने कितने हो पा जाएगा। अगर तुम कित जाओ हो थर पर पूछेगा भाई तुम जो है बिग स्लीपिंग बुद्धा देखने जाओ या ग्रैंड पैलेस देखने जाओ, ये भाई वो बंद है उड़ा मत जाओ। ये भाई जो है टाउन में देख लो, वो भी फेरी था 2000 बात जो है पर हेड और फलाना ढिमकाना जो है वो बेकू बना हुआ। तो भाई ईब जो है मैंने ले ली है 10 बात की टिकट। और हम तो ऊँ तुक्के में लिखड़े थे कि चल भाई जो है इसकी जो है नदी की जो है सैर करेंगे, पर हम या आगी मारी वह फेरी या जो है गवर्नमेंट की फेरी है भाई। और भाई 10 बात जान के 10 बात आन के उल्टे अड़े इस जो है इस जो यो जित चल रही है अड़े तार देगी तुम अगर तुम चाहो तय। तो भाई जो है ईब हम अड़े तो जाओ थे, हमारी टिकट तो थी आगे तई, लेकिन हमने जो है उड़ा दी गया वाह तरुण। तो भाई मंदिर शानदार था और घूम के भी आना था, तो मैं कहा चलो क्यों ना जो है फेरी की फेरी हो जाए और भाई जो है वातरुण भी देख ले। तो तुम जो है देखो इतने फेरी और मैं तुमने मिलूंगा वातरुण पे।
तो भाई यो पहुंच गए हम वातरुण। तो भाई वातरुण जो है उन चुनिंदा सबसे बढ़िया जगह में तो एक जगह है जहां बैंकॉक में जाने के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जावे है। तो भाई अगर बैंकॉक में जाओ तो इस मंदिर में जरूर जाइयो, भगवान बुद्ध का मंदिर है। और जो ये वात अरुण यानी कि अरुण जो है अपने जो अरुण देवता हैं उनके यानी कि हिंदू देवता के नाम पे इसका नाम रखा गया है वात अरुण। तो भाई एक चीज़ बता देता हूँ, थरते आड़े जो है सुबह जो है 8:30-9 बजे तक खुल जाए और सांझ के जो है 4:30-5 बजे तक खुला रहे। इसकी जो एंट्री फीस है वो है भाई 100 बात। और भाई तुम अड़क घूमोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, गारंटी लूँ पति भाई। अत है तो जो है शानदार मंदिर है और बहुत बड़ा कंपाउंड है भाई इसका, ठीक है। और ये देखो जो है गगनचुंबती जो है इमारतें ईसा लग गए है। आकि ये जो जो बैल है ना ऊपर तो बैल लटका रखी है जो घंटी है तो ऊपर तो जैसे ऊपर तो जो है न्यूक्लियर नीचे आके चौड़ी होगी। तो जो ये आड़े जो जैसे शांति स्तूप वगैरह हैं अपने देश जो देश में बन रहे हैं जितने भी बुद्धा स्तूप और शांति स्तूप तो इन तो जो है मिलती जुलती जो चीज़ है वो इनने बना रखी है। क्योंकि भाई जो है पूरा थाईलैंड जो है ज़्यादातर लोग जो है बुद्धिस्ट हैं तो जो मंदिर बना रखे हैं वे शानदार बना रखे हैं, देखने योग्य बना रखे हैं। और भाई मज़ा आ जाएगा, मन ने देख लिया और तुम भी गल्ला जो है मेरी गल्ला देखो वात अरुण। और मैं मिलूंगा थरते वात अरुण के बाद। और भाई जो है यह है टिकट 100 बात की, इस जो है 100 बात की टिकट की गल्ला तुमने एक पानी की बोतल भी मिलेगी ताकि घूमते रहो क्योंकि भाई पसीना आओगा गर्मी रहे है। और अपना पानी पियो और जो है फोटोग्राफी करो, घूमो फिरो, अच्छा है। दो इसमें भीतर जाके जब जाओगे ना इसमें दो जो है बुद्ध के मंदिर हैं वो भी देखो, शानदार बिल्कुल शांति पीस ऑफ माइंड जो है तुमने आके मिलेगा। और शानदार नक्काशी और भाई जो है यहाँ रहता है मतलब तुमने जो है थाईलैंड की जो सांस्कृतिक जो है जो ट्रेडिशन है वो देखने मिलेंगे।
बुद्ध आ गया। अंदर चलना है इसमें। तो भाई जो मैं बात करूं था वो इस मंदिर की बात कर रहा था कि ये भीतर जो है भगवान बुद्ध के दो मंदिर हैं, ये बड़े बड़े कती शानदार। और भाई तुम भी जाओगे पीस ऑफ माइंड शांति मिलेगी, तुम भी प्रार्थना करके आइयो कि सबका भला हो परमात्मा। तो तुम भी देखो और इंजॉय करो वात अरुण को। तो भाई यो था वातरुण, इसमें पूरे घूम लिए हैं, मज़ा आया भाई हमने तो घूम के। और भाई देख के उम्मीद रखूँ तुमने भी मज़ा आया होगा। तो ईब जो है नदी के इस पार तो है वातरुण, और भाई नदी पार करते फिर आ जाए स्लीपिंग बुद्धा यानी कि वात पाओ। तो भाई ऐसा है सिर्फ पांच बात में उरेत है प्रेम जो है
जो नदी पार करेंगे, कुल 5 बात में प्रति हेड, और भाई फिर पहुंच जाएंगे हम ग्रैंड पैलेस के कंपाउंड में। तो ग्रैंड पैलेस के कंपाउंड में ही स्लीपिंग बुद्धा है, यानी कि वातपाव है। उड़े की भी टिकट जो है 100 बात है भाई, और उड़े भी जो है टिकट के साथ एक पानी की बोतल मिल लगी। तो चलो चल रहे हैं उड़े। पहले दोनों ने तो भाई ईब जो है हम आगे हैं नदी के पार, ईब जानना रहे हैं हम स्लीपिंग बुद्धा यानी कि वातपाव में। तो बड़ी शानदार जगह है भाई, अड़े जो है शॉपिंग वगैरह भी कर सको, जो ट्रेडिशनल चीज़ है अड़े, तो मर्जी थारी है। तो चलो लो जी भाई साहब, इब हम पहुंच गए हैं वातपाव में यानी कि स्लीपिंग बुद्धा में। तो भाई हाड़ा जो टिकट है वो भी 100 बात की है, एक पानी की बोतल की गला। भाई एक चीज़ और बता दूँ, छोटी छोटी निक्कर बथपैर के जाइयो, क्योंकि देखो हाड़ा जो है थाईलैंड में थोड़ा इन छोटी निकरा पे बैन है, तो फिर तुमने कोई लुंगी लपेटनी पड़ेगी। जो कर ये शामी ये भी जो फॉरनर दिक्कत ये निकर पैर रही थी, और भाई फिर इन्हें जो है लुंगी लपेट के जो है यो देखना पड़ा। तो भाई चलो बात करें हैं वातरुण की। तो वातरुण जो है जो अड़े का शासक था राम, 1700 शायद 80-88 के आसपास जो है उसने यो बनाया था। तो यह जो है थाईलैंड की सबसे पहली जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी होया करती, जिसमें जो है साइंस, सांस्कृतिक और साहित्य के बारे में पढ़ाया जाया करता। और आजकल जो है इसमें भाई जो ट्रेडिशनल थाई मसाज है और मेडिसिन, इन दोनों के बारे में पढ़ाया जा है और सिखाया जा है। और इसमें यदि तुम जाओ तो तुम जो है थाईलैंड की प्योर ट्रेडिशनल थाई मसाज भी करवाना चाहो तो वह भी वो है, आप इसमें करवा सको हो।
स्लीपिंग बुद्धा है सबसे बड़ा। आप देखो ये भी जो है वातावरण से कुछ मिलता जुलता ही है, जैसा हमने पहले वातावरण में देखा था बिल्कुल तरीके से जो है वहां भी जो है इसमें क्या होगा शायद वो स्लीपिंग भी था। तो भाई इब हम पहुंच गए हैं स्लीपिंग बुद्धा यानी कि रिक्लाइन बुद्धा की स्टैचू के पास। तो भाई यह जो है काफ़ी लंबी मूर्ति है और भाई जो है यह गोल्ड प्लेटेड है यानी कि इसके ऊपर का सोना चढ़ रहा है ना कि यह पूरी सोने की है, ठीक है। और भाई यह जो है अच्छी लंबी है और जो है भगवान बुद्धा की या जो मूर्ति है या उनके आखिरी समय की है। कहने का मतलब ये है कि भाई जब जो है भगवान बुद्ध जो है अंतर्धाम यानी कि जो है वो क्या बोलते हैं मोक्ष जो ले हुए थे तो उस टाइम की है या मूर्ति एक भाई जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है। तो बड़ी बढ़िया जगह है, तुम भी जाओगे मज़ा होगा। तो भाई देखो भगवान बुद्ध की मूर्ति और जो है घूमो बैंकॉक में।
तो भाई यो दूसरा जो है अंदर एक और मंदिर था भगवान बुद्ध का, और इस पे भी जो है स्टिकर बना रखे हैं, चित्रकारी बना रखी है बड़ी सुथरी। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में कराबी में। जब तक भाई थारा वीडियो देखने तक धन्यवाद, थारते दोबारा राम राम, थारा दिन शुभ हो भाई जी।